बेटा बोलो। हाँ गुरुजी। बेटा गुल्लू। हाँ जी गुरुजी। ये कहा गोक देख ले, कोई दिखाई नहीं दे रहा गुरुजी। गुरुजी मन्ने साला गए चिलकने चिलकने क्या हो देखिया के लोग ने। हाँ चिमकने चिमकने तो मन्ने भी दिखे हैं। दिखे हैं तो पकड़े। कौन दिखे परलिकान तो ना गए हैं। ये सामने तो लिख रहा क्या है देव नारायण। रवि को नहीं भाई हो सके नारायण आ गए हो। हाँ मन में भी कुछ सखी साहे लाग गए। देख क्या खड़े हो गए पारने को। कोई साहे पकड़ लिए अबकी बार। पकड़ लियो हां। हां जान मंदी है तारका इन तो चले गए तो भी नुकसान हो जाएगा अगला का। क्यों तुमने सदाए ठगी करी तुमने बेरा है बस बेरा पड़ जाएगा बेटा गुल्लू। हाँ बेटा देखिया कि भाई गुरुजी। हाँ आवे तो हैं है पर दिखे भी हैं। अच्छा लवान दिए पकड़ लेंगे। हाँ अर्चे के गए हैं ये पकड़ लेंगे। कोई हो मच्छर दौड़ी है पकड़ लोगे। बिल्कुल है ठीक से। अब वन सावली बताओ यहाँ भी कोई। आज तो गुरुजी बढ़िया बोनी होगी। मछली तो आप ही ले लिया। हाँ लेकिन पकड़ के बढ़िया बोनी होगी। ओहो दिख गए जा हो खानदानी तू खानदानी बंदा असली का नकली का मेरा पड़ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। एक काम कर बेटा। हाँ अपना गुरुजी लिया सब के लिए आ जाएगा। हाँ 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 ठीक है। गुरुजी ने लिया गुरुजी ये बड़ों के ले गए तो इस तरह क्यों झगड़ते हो। हम इनके नहीं पंडे। हाँ जी गुरुजी इनका तो झगड़ा काम है कदे का आका जाओ सर झगड़ा के कर ले हैं। आप बच के रही हो सच्ची बताओ फिर बताइए दिखा बता दो ने बता दियो। हाँ गुरुजी। ए भाइयों। जी गुरुजी मेरे साथ ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। आप इनकी वंशावली बताओ। ही बताई जी ही बता दे। आप आ रहे मेरा कौन हो रहा है बताऊंगे। पेज खोल दूसरा पेज खोल 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 दूसरा पेज खोल। हेलो बता ले बता ले बता ले बता ले बता ले बता ले गुरुजी। सुनो गुरुजी ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश दशरथ के बेटे हैं और आपके साथ इन जंगलों में आए हुए हैं। है? हे भाई इनकी वंशावली बताओ। पहले इतना ठीक है कि तीसरा तीसरा खोलो तीसरा पे। हे भाई ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था महाराज। आपने जो ये आपने टाइम खराब करे है गुरुजी। आपने जो बताया मैंने जो बताया उसमें कोई फर्क हो तो बताओ। असली मैं हूँ। हे भाई आगे की तो वंशावली बताओ इनके वंशज कौन कौन हैं। आगे की बताऊंगी जी पीछे ही बताऊं। पीछे की भी बताओ। अच्छा ये बता दे पूर्वज ही बताऊं। तो सुनो जी ये महाराजा दशरथ के सुपुत्र है। इनके पिताजी का नाम दशरथ है ठीक है। उनके पिताजी का नाम नौरथ है। उनके पिताजी का नाम आठरथ है। उनके पिताजी का नाम सातरथ है। हे भाई ये क्या बकवास कर रहे हो। मेरे रथ खड़े कर दिए जी और क्या करा। महाराज मारी दुकान पाओ हम बतावाए। महाराज जी नू ना करो इवे तो आधे रथ तो रह गए। आधे रथ तो रह गए बता दे। छह रथ तो यही वे। सुनो महाराज उसके पिता उनके पिताजी का नाम था जी पांच रथ। पांच रथ पांच रथ पांच रथ कट्ठे पांच रथ किसे का नहीं पाओगे भाई। हाँ तारे घर खड़े हैं। मारा घर चार हैं। उनके पिताजी का नाम था चार रथ। चार रथ एक भी दिखा दो ना। उनके पिताजी का नाम था तीन रथ। तीन रथ है। उनके पिताजी का नाम था दो रथ। दो रथ है। ये बात जो सबसे इनके बुजुर्ग वाले पूर्वज है उनका नाम था एक रथ। एक रथ ही बात बनी। ए भाई तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। हां जी और इतना ही बता दूं उस तो पहला रथ नहीं था इनका एक भी रथ ना था। हां ये महाराज जबरदस्त शुरू हुए थे गुरुजी। ए भाई ये आपको धोखा दे रहे हैं। आपके असली पंडित तो हमें है। हम बताओगे हम आपकी वंशावली किस प्रकार से है। मैं ना कोनी मेरा के मैं भी चक्कर ढोंगी है महाराज। ये ढोंगी है दोनों। या पार्टी भी गई। हाँ भाई ये हाल तो महाराज दशरथ पूर्व गांव के नाम बताओ। हाँ महाराज जरूर बताओगे।
आप सुनते रहियो और हां भरियो, आपका पेटा भर जाने जे बताइयो मारते हैं। ठीक है महाराज? ठीक है। गुरुजी। हाँ बेटा। असली तो साए। देख के हूँ कि ला बेटा, बेटा ला भाई खोल। मैं लुक के देख के हूँ। ठीक है ना? पीछे का जाऊँ। सुन सुन सुन। ये भी गलत बताऊँगे। आपके पहले राजा वंश हुए जिनका खाली है, खाली है पुत्र बर्मा और बर्मा का मारिस तथा मारिस का पुत्र कश्यप हुआ। ठीक है महाराज? हाँ ठीक है भाई। ठीक है महाराज, हम तो असली। हाँ और सुनो, राजा कश्यप के यहाँ महाराज सूर्य का खाली है जन्म हुआ, जिसके नाम पर आपके कुल को पुरवंश कहते हैं। राजा सूर्य के यहाँ राजा मनु, मनु के यहाँ राजा वस्त्र का जन्म हुआ। ठीक है महाराज? ठीक है भाई। राजा वस्त्र के पुत्र अक्षकु और राजा अक्षकु के राजा कांसी हुए। राजा कांसी के घर में राजा बांड और राजा बांड के घर में राजा सोलनत उत्तान हुए। ठीक है महाराज? ये सत्य है। ठीक है महाराज। जी सोता है कुछ नहीं इनका भी। फिर राजा अमरसत और अगरसत के पुत्र राजा पृथ्वी हुए। पृथ्वी के तीर्थ शकर और सिकर के पंचात जानसू के मादंता, मादंता के सिद्धुंत और सिद्धुंत के दो पुत्र हुए सिंधुर के तथा दूसरे प्रसिंतजीत त्रिंत के राजा अस्त और अस्त के राजा भरत तथा भरत के यहाँ राजा सगर पैदा हुए। ठीक है महाराज? सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल है। जिन्होंने 100 वर्ष अश्वमेघ यज्ञ किए और जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के कोप में जलकर भस्म हो गए, उनके दो पुत्र अश्वजस तथा अनुमान असुमान हुए। असुमान के राजा दलीप, दलीप के भागीरथ हुए। ठीक है महाराज? हाँ ठीक है भाई। जो इस तरण तारिणी के गंगा को मृत लोक में लाए, जहाँ इना भारत के पुत्र यहाँ नाम कश्यप का, काकश के पुत्र का नाम रघु था। ठीक है महाराज? ठीक है भाई, बिल्कुल। जिनके नाम पर आपके वंश को रघुवंश की भी कहते हैं। राजा रघु के यहाँ राजा कमलनाथ, कमलकांत के राजा शंखनाथ, राजा शंख के सुदर्शन और सुदर्शन के राजा शोकदल उत्पन्न हुए। ठीक है महाराज? ठीक है। फिर राजाधीश के राजा मरु, मरु के प्रसन्न और प्रसन्न के अशोक तथा अर्थविक के यहाँ निरीक्षक के जन्म लिया। इन्हीं के निरीक्षक के संतान राजा जजात के राजा, जजात के राजा राजभाग, राजा भाग के राजा अंश और राजा के अंश पुत्र के आपके पिता दशरथ हैं। बिल्कुल सत्य है। ठीक है महाराज। हे बेटा राम, ये तुम्हारी वंशावली सत्य है। ये भी गई, इतनी फेंक दी है, लपेटी नहीं जाएगी समझती। हाँ बेटा आजा, इनके अपने भाई समेट ले और इनके राजकुमारा के नाम लिख लो। समेटो एक एक लिख रखा था इसमें, मंडी फैल इनकी भी। हाँ है महाराज, ही बाप के नाम बताओ, ताकि कोई आपके वंश का कोई आए तो हम उसे बता सकें। दशरथ के पुत्र के नाम बताओ जी। हे भाई, दशरथ के सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र। ठीक है महाराज। दूसरे पुत्र भरतलाल, भरतलाल। ठीक है महाराज। तीसरे पुत्र लक्ष्मण, लक्ष्मण। ठीक है महाराज। चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। ठीक है महाराज।
बंदा ने इतनी फेंक दी लपेटी नहीं जारी मतलब है नहीं तो देख कुछ नहीं का फद्दू बना रहे हैं तुझे सामने झूठा काम ए भाई बहुत झूठ बोल रहे हैं। ठीक है महाराज, आपकी जय हो, जय जयकार हो। गुरुदेव प्रणाम, महाराज नाम तो दो। महाराज नाम मिला ना लठे। सच्ची बताइए जी, सच्ची बताइए। कल सवेरे पहले हम बढ़िया पार्टी देखेंगे। आज आड़ी तो गई आते हैं। ठीक से चल ही अपना करने समेट ले। इस तरह से विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण ने गंगा को नमन किया, उसमें स्नान किया, बहुत प्रकार की दान दक्षिणा दी। विश्वामित्र जी ने उनको समझाया कि हे राम, ये आपके वंशजों की ही लाई हुई गंगा है। तो बड़ा भगवान जो थे बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ से स्नान करके अब मिथिलापुरी के नज़दीक पहुँच जाते हैं।